बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्लोबल विलेज 92 की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो उस अजीम हस्ती और वलियों के शहनशाह के हवाले से है जिनके नाम की मुनासबत से लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। दाता की नगरी में इस वक्त दाता के मतवाले आपके 978वें सालाना उर्स की तकरीबात के हवाले से तैयारियों में मसरूफ हैं। शेड्यूल के मुताबिक दाता साहब का उर्स मुबारक 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात 26 सितंबर से 28 सितंबर तक जारी रहेंगी। यहां पर मैं दाता दरबार के तमाम आशकीन को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फैसला के मुताबिक उर्स की तमाम तकरीबात उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगी जो माजी में होती रही हैं, और कोरोना वबा के बावजूद दाता साहब के आशकीन उसी अंदाज से हाजिरी देंगे जिस तरह वो माजी में हाजिरी देते रहे हैं। ताहम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गुजारशात के मुताबिक तमाम जायरीन अपने तई हफाजती तदाबीर अख्तियार करेंगे और ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 रोज़ा उर्स तकरीबात के दौरान होने वाले तमाम प्रोग्राम का शेड्यूल भी शेयर करूँगा और ख़ास तौर पर महफिल नात, महफिल किरत और महफिल कवाली के हवाले से टाइम और दिन के बारे में भी आगाह करूँगा। आप हजरात एक नज़र दाता दरबार पर उर्स के हवाले से होने वाली डेकोरेशन देखें और देखें आप दाता हजूर के अकीदतमंद किस अकीदत के साथ दरबार की डेकोरेशन कर रहे हैं। दाता गंज बख्श का असल नाम अली बिन उस्मान था, जबकि आप अबुल हसन अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी अल गजनबी के नाम से मारूफ हैं। आपका शुमार 11वीं सदी के उन अजीम औलिया अल्लाह में होता है जिन्होंने साउथ एशिया के रीजन में अपने अखलाक और मोहब्बत से इस्लाम की आबियारी की। आपके हुस्न सलूक को देख कर लाखों लोग मुसलमान हुए। आप 11वीं सदी में लाहौर आए और रावी किनारे अपना डेरा जमाया और आपके अकीदत मंदों ने आपको गंज बख्श का नाम दिया और आपके नाम की मुनासबत से लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। बरसगीर के अजीम उल मर्तबत अमाम तरीकत हजूर दाता गंज बख्श की शख्सियत को जांचने के लिए आपकी तहरीर करदा किताब कशफल महजूब का मतालिया बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गान दीन के मुताबिक आप बरसगीर के खित्ते में कदम रखने वाले सबसे बड़े वलीउल्लाह थे और आपका दरबार इस खित्ते में सबसे बड़े दरबार के तौर पर जाना जाता है, और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल आपके उर्स मुबारक के मौका पर तकरीबन 50 लाख अकीदतमंद दुनिया के हर कोने से मज़ार पर हाजिरी देते हैं। उर्स के मौका पर आपके अकीदतमंद दूर दराज के इलाकों से पैदल और साइकिलों पर सवार होकर ग्रुप्स की शक्ल में मज़ार पर हाजिरी देते हैं। आपके उर्स के मौका पर लाहौर में ईद का समा होता है और इसकी वजह यही है लाहौरियों और दाता साहब का रिश्ता बहुत पुराना और बहुत हसीन है। इस साल आपके उर्स मुबारक का आगाज़ 26 सितंबर को होगा, जबकि वज़ीर आला पंजाब 26 सितंबर को रस्म चादर पोशी अदा करेंगे। उर्स तकरीब के पहले दिन नमाज ज़ोहर के बाद कौमी महफिल हुस्न किरत का इनकाद होगा जिसकी सदारत साहबजादा पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब करेंगे, जबकि पूरे मुल्क से कारी हजरात महफिल किरत में शिरकत करेंगे। उर्स के पहले दिन बाद नमाज शाह कौमी महफिल नात मुनक्कद होगी जिसमें मुल्क पाकिस्तान के जय्यद नात खां शिरकत करेंगे। उर्स के दूसरे दिन भी महफिल नात का इनकाद होगा।
27 सितंबर को दिन 10 बजे महफिल समा का आगाज होगा। महफिल समा, महफिल नात, महफिल किरत के अलावा कई अदबी नशिस्तें मुनक्कद होंगी जिसमें उलमा कराम हजूर दाता गंज बख्श की सीरत और इस्लाम के लिए आपकी खिदमात पर रोशनी डालेंगे। दाता हजूर की शख्सियत एक रोशन चिराग की मानत थी जिससे हर अहद के वलीअल्लाह ने रोशनी ली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके दरबार पर हाजिरी दी, एतकाफ किया और वो शेर कहा जो जबान जद आम है, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ना किसान रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हम ग्लोबल विलेज 92 की तरफ से दाता हजूर के उर्स के मौका पर आपके तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।